जय माता दी। छठ पूजा का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस जिस क्षेत्र में इस व्रत को किया जाता है, जैसे कुछ जगहों पर तीज के व्रत की बहुत मान्यता है, कुछ जगहों पर करवा चौथ के व्रत की बहुत मान्यता है, वैसे ही छठ की पूजा की मान्यता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। छठ पूजा पर सूर्य देव की पूजन अर्चना करना, उनको अर्घ देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। छठ पूजा का व्रत लगातार 36 घंटे तक भूखे प्यासे रखकर रहा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठकर सूर्य देव की अर्चना, पूजन अर्चना की जाती है। उनका पंचोपचार पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। आज के दिन सूर्य देव को लाल रंग के फूल अर्पण करना, लाल रंग के फूलों से पूजन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। सुहागिनों के लिए खास तौर से कहा जाता है कि भगवान सूर्य देव को लाल रंग के पुष्प की माला अर्पण करने से आपसी प्रेम संबंध मियाँ बीवी के, आपसी प्रेम संबंध हस्बैंड वाइफ के बहुत ही अच्छे बने रहते हैं। छठ पर्व के दिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अर्घ देने की जिस तरह मान्यता है, उसी तरह एक छोटा सा उपाय मैं आप सभी को बताती हूँ। जब आप सूर्य देव को अर्घ दे दें, उसके बाद गुड़ में पके हुए चावलों का भोग सूर्य देव को लगाना और थोड़े से वही चावल जल में जल प्रवाह करना या जल के कहीं समीप, जल के आसपास कहीं पे भोग की तरह रख देने से आप देखेंगे कि अगर आप लोगों के मनमुटाव चल रहे हैं, आपके रिश्ते आपके पड़ोसियों के साथ भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो इस छठ पर्व पर आप एक ये ऐसा उपाय करिए कि जहां आप रहते हैं और आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में कमी आती जा रही है, आप तो अच्छा करते हैं फिर भी आपको बुराई मिलती है, तो इस छठ पूजा वाले दिन आप मीठे गुड़ के चावल बनाकर, थोड़े से चावल लेकर आप जल प्रवाह करिए और थोड़े से यही चावल जल के समीप कहीं पे, जल के किनारे में कहीं पे ज़रूर रखिए। छठ पूजा इस बार 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 30 अक्टूबर वैसे भी दिन है संडे का दिन, रविवार, तो सूर्य देव की उपासना जितना बढ़ चढ़ कर आप कर सके इस छठ पूजा वाले दिन ज़रूर करिए। और साथ ही में एक खास अचूक उपाय मैं और आप सबको बताऊंगी, छठ पूजा पर आप लोग ज़रूर करिए। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे में आप छठ पूजा वाले दिन एक खास उपाय करिए। स्नान करने के बाद में आप अपने हाथ में गंगा जल लेकर और सूर्य देव का स्मरण करते हुए आप अपने जो भी आपसे जाने अनजाने भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा याचना करके वो जल इस तरह माथे से लगाकर अपने पीछे उस जल को छोड़ दीजिए। इसके बाद आपने 108 लाल रंग के गुलाब के फूल लेने हैं, उन फूलों पर आपने लाल चंदन का तिलक लगाना है और उन लाल चंदन के ऊपर चावल का तिलक लगाकर एक फूल हाथ में लेकर ओम घृणी सूर्याय नमः करके सूर्य देव को अर्पण करना है। फिर दूसरा पुष्प लेकर इसी मंत्र का जाप करके सूर्य देव को अर्पण करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने में दिक्कत आ रही है, आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो इस उपाय को आप इस बार छठ पूजा वाले दिन करके देखिए और इसका चमत्कार आप देखेंगे कि आपको 11 दिनों के अंदर इसका चमत्कार ज़रूर नज़र आ जाएगा। जय माता दी।